क्वेश्चन आंसर में मूव ऑन करेंगे। कमनी दैट, ये कमनी दैट पूरा खत्म हो जाएगा हाँ। तो फिर अपने क्या होगा, क्वेश्चन आंसर में मूव करके फिर बाकी चैप्टर की तरफ जाएंगे। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 20 डायरेक्टर्स, बड़ा चैप्टर है लेकिन बहुत कुछ काम का है इसके अंदर। तो देखो डायरेक्टर्स का मतलब क्या, सबसे पहले तो वो बोला। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 ऑफ कमनीज एक्ट क्या बोलता है, डायरेक्टर वो आदमी है जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंटमेंट मिला, मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी से अपॉइंट हुए। सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 क्या बोलता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डेफिनेशन दिया। तो बोला गया कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। और सेक्शन 149(1) बोलता है एवरी कंपनी शैल हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो सर सब कुछ समझ में आया, अल्टीमेटली डायरेक्टर का डेफिनेशन ही गायब है। तो यहाँ एक बात हम बोलने जा रहे हैं, आपको बोला गया कोई भी इंसान जो कंपनी के मैनेजमेंट में है तीन नाम से, डायरेक्टर, मैनेजर या जिसको MD बोलते हो, इन तीन नाम में से जो भी नामकरण बोल दो आप, वो सब कंपनी के डायरेक्टर्स के ही पार्ट माने जाएंगे। यही बात बस एक्ट में बोला है, कंपनी के मैनेजमेंट में जो ये तीन लोग काम संभाल रहे, तीन में से कोई भी नाम से काम संभाल रहे, दे ऑल आर डायरेक्टर्स, ठीक है। अब बात आता है सर असली काम पढ़ने लायक क्या है। बेटा एक बात तो ये पढ़ने लायक है सर, यानी ये डेफिनेशन कोई बहुत बड़ा बात नहीं है पढ़ने को, बिल्कुल सही बात है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है पढ़ने को। पर अब यहां बोला मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितना होगा, ये काम का बात है। तो सर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तीन मिनिमम डायरेक्टर होंगे और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम दो डायरेक्टर होंगे। OPC में तो एक अकेला खुद ही होगा, सबको पता है। सर मैक्सिमम नंबर एक कंपनी में डायरेक्टर कितने हो सकते हैं, 15। और अगर कंपनी को 15 से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करने की इच्छा है तो कंपनी को SR पास करना पड़ेगा, मतलब शेयर होल्डर का मीटिंग बुलाओ और अगर 75% शेयर होल्डर से ज्यादा हाँ बोल दे तो आपको 15 से ज्यादा डायरेक्टर रखना भी अलाउड। इसका क्या ये मतलब है कि जितने सारे मैनेजर्स अपॉइंट किए जाएंगे सारे डायरेक्टर्स ही काउंट होंगे? नहीं 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 नहीं, मैनेजर नॉर्मल ब्रांच मैनेजर और वो लोग नहीं, जो कंपनी के मेन मैनेजमेंट में एज ए मैनेजर पोस्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब बोला एवरी कंपनी एग्जिस्टिंग, अगर कोई कंपनी 2013 के पहले से कंपनी बन गई है, ठीक है, जो कोई कंपनी 2013 के पहले से कंपनी एक्ट में है और अब नया एक्ट में कन्वर्ट होना होगा उनको, ठीक है। तो उनको एक ईयर के अंदर अंदर अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का टीम में एक वुमेन डायरेक्टर को इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। और हर कंपनी में एटलीस्ट 1 डायरेक्टर रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी होना चाहिए, मतलब 182 डेज से ज्यादा इंडिया में स्टे करना चाहिए प्रीवियस ईयर। तो दो इंपॉर्टेंट नई बातें कंपनी का 2013 में आई डायरेक्टर्स में, एक ये वुमेन डायरेक्टर का कंसेप्ट और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, सॉरी रेसिडेंट डायरेक्टर का कंसेप्ट, ठीक है। इसके सब कंपनी को सर वुमेन डायरेक्टर रखना है, नहीं सब कंपनी को नहीं रखना, बाय द प्रेस्क्राइब्ड कंपनी बोला, मतलब जिन जिन कंपनी को उस लिस्ट में डाला गया उनको। तो सर यही इस चैप्टर में मेजर पढ़ने लायक बातें होगी कि वुमेन डायरेक्टर कब अपॉइंट करना है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कब तुम्हारे यहाँ एक होना चाहिए, नॉमिनी डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर यानी MD कैसे डिसाइड होता है, फुल टाइम डायरेक्टर क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होते हैं और स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर क्या होते हैं। ये कुछ एक टॉपिक है जो अपने को पढ़ना है, जिनका अपने नाम क्या पड़े, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। इनके अलावा भी तीन टाइप बोला जाता है, फर्स्ट डायरेक्टर, हालांकि वो ऊपर वाले डेफिनेशन में आ गया, बट कंपनी का पहला डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होता है उसका उनको पढ़ना पड़ेगा। कंपनी में एडिशनल या अल्टरनेटिव डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर कभी कभी क्या होता है ना, मान लो गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट मिला जिसमें लिखा हुआ मिनिमम 9 डायरेक्टर का साइन चाहिए, मेरे कंपनी में सर 7 ही है,
हो ही सकता है। अब मिनिमम करूं तो पूरा कर ही दिया, मान लो हम पब्लिक लिमिटेड है तो मिनिमम तो 3 होना चाहिए, मेरे 7 है। तो सर आप रूल तो फॉलो कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर वो कॉन्ट्रैक्ट में नॉन डायरेक्टर का साइन चाहिए, तो आप क्या करें? आप एडिशनल एक बार 2 डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो। ऑल्टरनेट डायरेक्टर क्या होता है सर? कभी कभी क्या होता है, आपका डायरेक्टर आउट ऑफ स्टेशन चला गया, वो भी लंबे पीरियड के लिए, तो उसके लिए तो कोई तो काम देखने के लिए चाहिए ना, तो उसका जो ऑल्टरनेटिव हम अपॉइंट करेंगे वो होगी ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ठीक है, तो ये आपको इन सब टॉपिक में, इन्हीं सब टॉपिक के ऊपर ही मेनली पढ़ना है। तो आ जाओ सबसे पहले वुमेन डायरेक्टर। तो बोला कि नया कमीज एक्ट जो आया उसमें जब रूल 2014 बना तो बोला कि एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। सर क्या सब कंपनी में बोला गया था? नहीं, सब में नहीं। तो बोला एवरी लिस्टेड कंपनी में तो होना ही चाहिए, लिस्टेड कंपनी में तो होना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है लेकिन पब्लिक लिमिटेड है, उसके अगर पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से ऊपर है और टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा है, तो उस कंपनी को एक वुमेन डायरेक्टर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हर पब्लिक कंपनी में क्या रूल हो गया, 100 करोड़ का पेड अप कैपिटल, 300 करोड़ का टर्नओवर। लेकिन लिस्टेड कंपनी अगर हो तो कोई कंडीशन नहीं है, रखना ही है। अच्छा, पेड अप कैपिटल और टर्नओवर कब देखेंगे, कब का? सर लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से। ठीक है, और सर अगर कोई नया नया कंपनी अभी रजिस्टर हुआ है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इस एक्ट में नया नया रजिस्टर हुआ है, पहली बार कंपनी बना है, तो उसको 6 महीने तक का टाइम देंगे कि वो एक वुमेन डायरेक्टर रख ले। मतलब ऐसा नहीं कि बनते ही एक दिन के अंदर ही रखो, 6 महीने का टाइम देंगे। और अगर पहले से कोई कंपनी है पुरानी कंपनी एक्ट में और कन्वर्ट हो गए इस नए एक्ट में आ रही है, तब उसको 1 साल का टाइम दिया जाएगा वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए। तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है पुरानी एक्ट में उनको 1 साल का टाइम, और जो नई कंपनी एक्ट में रजिस्टर होगी पहली बार उनको 6 मंथ का टाइम। ठीक है, और अगर सर कभी वुमेन डायरेक्टर जो है, मान लीजिए हम रख लिए नियम के हिसाब से, और अब मान लो उसको कुछ हो गया, डेथ हो गया, कुछ भी रीजन से वैकेंसी हो सकता है ना, फिजिकली प्रॉब्लम हो गया, तो सर आपको 3 महीना मिलेगा नया अपॉइंटमेंट कर लेने के लिए, आपका नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग या 3 महीना, व्हिचएवर इज लेटर। ठीक है, अब आ जाइए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है सर? जो कंपनी में एम्प्लॉई है, जो होल टाइम डायरेक्टर है कंपनी के, उनका बात नहीं हो रहा, उनके अलावा आपको एक ऐसा डायरेक्टर रखना पड़ेगा जो कंपनी से रिलेटेड नहीं, जो कंपनी का एम्प्लॉई नहीं। क्यों रखना है सर ऐसा? कई बार क्या होता है ना बेटा कि गवर्नमेंट को और उनको लगता है कि कंपनी के अंदर के लोग होते हैं एम्प्लॉई है जो रेगुलर डायरेक्टर है, तो वो लोग तो वही बात को हाँ बोलेंगे जो उनको लगता है कि कंपनी के फायदे में है या उनके फायदे में, और इससे शेयर होल्डर का नुकसान होता हो तो हो। तो यहां पर एक बोला गया कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर होगा आपके मीटिंग्स में आकर बैठेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो मीटिंग होगा उसमें आके बैठेगा, तो अगर उसको कुछ भी गलत लगा तो वो उसको रिपोर्ट कर सकता है, रुकवा सकता है, या जिस भी डिपार्टमेंट को बताना है उसको बता सकता है, या शेयर होल्डर तक इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो इसलिए एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जरूरी है। तो सेक्शन 149 सबसेक्शन 4 बोलता है एवरी लिस्टेड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। हर लिस्टेड कंपनी को अपने टोटल डायरेक्टर का 1/3, मतलब मेरे यहां मान लो अगर 12 डायरेक्टर है तो 12 का 1/3 कितना होगा? 4। तो मेरे यहां 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने जरूरी। सर अगर आपके यहां 11 है तो 11 का 1/3 3 point something, तो ऑलवेज ऊपर की तरफ राउंड ऑफ करेंगे। अगर ये 3.2 भी आता ना तो भी 4 की तरफ ही राउंड ऑफ करते, क्योंकि 3 करने से तो रूल टूट जा रहे, 3 तो 1/3 हो नहीं रहे, तो सर ऊपर की तरफ ऑलवेज राउंड ऑफ, ताकि रूल नहीं टूटे।
ठीक है, जो मैं यहाँ पे बोला एनी फ्रैक्शन कंटेंट सेल बी राउंड अप टू अ वन, यही बात अभी हम बोल रही थी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, इन केस ऑफ प्रोडक्ट कंटेंट 10 डायरेक्टर्स, तो 10 का वन था तो 3.1 होता है, लेकिन आपको 4 अपॉइंट करने पड़ेंगे। तो कितना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए? 1/3 ऑफ टोटल, 1/3 ऑफ टोटल, ठीक है जी सर। हाँ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब मिनिमम नंबर ऑफ इंडियन डायरेक्टर इन केस ऑफ एनी क्लास ऑफ पब्लिक कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि कोई और मतलब 1/3 से ज्यादा होना पड़ेगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है किसी कंपनी में 1/3 से ज्यादा इंडिपेंडेंस जरूरी है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम वो क्लास ऑफ कंपनी को, क्लास ऑफ पब्लिक कंपनी को नाम अनाउंस कर सकता है, बोल सकता है इस टाइप कंपनी में 1/3 से ज्यादा चाहिए, ठीक है, उनका मिनिमम नंबर वो चेंज कर सकते। प्रोवाइड दैट द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, लेकिन वो 2 से कम कभी नहीं हो सकता, एटलीस्ट 2 तो इंडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिमम को 2 से नीचे नहीं ले जा सकता, 2 से ऊपर भले जो कर, ठीक है जी सर। ऐसा किस कंपनी में ये सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है जिनका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है, या जिनका एग्रीगेट लोन या डिबेंचर या आउटस्टैंडिंग 50 करोड़ से ज्यादा है, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज कर सकता है। थोड़ा उनको रिलैक्सेशन दे दिया भाई, मान लो मेरे यहाँ 4 हो रहा है ना, 12 अगर है तो 12 का 1/3 4 होता है, बट हम सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल रहे हैं देखो भैया हम इतना बड़ा कंपनी नहीं है कि हम 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखें, सेंट्रल गवर्नमेंट बोला अच्छा चलो ठीक है तुम्हारा मिनिमम नंबर हम चेंज कर देते हैं, कम कर देते हैं, लेकिन 2 से नीचे नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अगर कोई कंपनी में, अब यहाँ पे क्या बोला देखो, एवरी लिस्टेड कंपनी हैविंग एग्जिस्टिंग और बिफोर द कमेंसमेंट, इस एक्ट के पहले पुराने एक्ट में भले रजिस्टर थे, तो तुमको भी 1 साल का टाइम मिलेगा, और तुम इस एक्ट आने के बाद से 1 साल के अंदर अंदर जितना रिक्वायरमेंट एज पर रूल उतना मिनिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेंज कर लो, ठीक है। अब बोला गया सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलते किसको, तो देखो जो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हो, होल टाइम डायरेक्टर नहीं हो, या नॉमिनी डायरेक्टर नहीं हो। सर ये नॉमिनी डायरेक्टर क्या होते हैं? सर कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट, बैंक्स, ये लोग भी अपनी तरफ से, जिनसे आप लोन लियो वो लोग अपनी तरफ से एक डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं कि ये भी आपके बोर्ड मीटिंग में, जैसे बैंक लोन दिया, मान लो SBI आपको लोन दिया 50 करोड़ का, अब SBI को लगता है भैया इसके मीटिंग में जो भी बात हो मेरे को जानकारी चाहिए, तो वो बोल सकता है कि मेरा डायरेक्टर आपके बोर्ड में बैठेगा, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो नॉमिनी डायरेक्टर हो गया ना, वो नॉमिनेट हुआ है ना किसी के थ्रू, या सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई डिपार्टमेंट या कोई बैंक, कोई वहां पे आपके यहाँ पे नॉमिनेट कर रहा है उसको, तो वो डायरेक्टर काउंट नहीं होगा, होल टाइम काम नहीं होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर काउंट नहीं होगा, ये तीनों को काउंट नहीं करेंगे इंडिपेंडेंट देखते हो, मतलब ये लोग इंडिपेंडेंट नहीं है सर, ठीक है। सर कंपनी का ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा ना, उसको रेलेवेंट एक्सपर्टाइज होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितना रेलेवेंट वो बोला नहीं है, लेकिन साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इनमें से किसी फील्ड का, मैनेजमेंट, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, इनमें से किसी फील्ड्स के एक्सपर्टाइज होने चाहिए, उनको उसका नॉलेज होना चाहिए। अरे कोई बेवकूफ को तुम तो फिर एक काम करोगे, तुम्हारे ऑफिस के नीचे जो चाय वाला उसको बोल दोगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गया, उसको पता तो कुछ है नहीं, वो बस देख के चला गया मीटिंग, गलत बात हो जाएगा ना, तो उसको नॉलेजेबल होना पड़ेगा। ही इज नॉट अ प्रमोटर, वो कंपनी के प्रमोटर ग्रुप का नहीं होना चाहिए, वो कंपनी के होल्डिंग या सब्सिडियरी या एसोसिएट कंपनी का पार्ट नहीं होना चाहिए, मतलब इंडिपेंडेंट बोला ना बाबा, ये तो डिपेंडेंट हो जाएगा फिर, वो प्रमोटर या डायरेक्टर से रिलेटिव भी नहीं होना चाहिए। अब अंबानी बोलेगा मुकेश अंबानी कि आकाश अंबानी तो मेरी कंपनी में ना MD है ना डायरेक्टर है ना कुछ है, उसी को बना देते इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सही तो गलत बात हुआ ना। मान लिया आकाश अंबानी ना MD है ना डायरेक्टर है, होल टाइम ना नॉमिनी है, ये तीनों में बिलोंग नहीं करता है आकाश अंबानी,
लेकिन उससे क्या हुआ, वो अंबानी जो कंपनी का प्रमोटर है उसका रिलेटिव हो गया ना, तो वो भी नहीं होना चाहिए। उसका कोई भी टाइप का पिक्यूलर रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए कंपनी के साथ। पिक्यूलर रिलेशनशिप क्या मतलब होता है सर, नॉट एक्सीडिंग 10% कंपनी, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उस एक आदमी के साथ 10% से ज्यादा नहीं कर रहा हूं। मान लो वो कंपनी को, कंपनी उसको माल बेचता है या कंपनी उससे रॉ मटेरियल खरीदता है और कंपनी का जो टोटल परचेज या टोटल सेल है उस आदमी से 10% से, मान लो कंपनी का टोटल सेल इस बार 100 करोड़ है और वो एक आदमी है जिससे कंपनी 12 करोड़ का सेल किया है जिसको, तो सर वो कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो ये बात आपको मेन ध्यान में रखनी, और ये पिछले 2 साल का देखना पड़ेगा, 1 साल का नहीं, पिछले 2 साल में उसके साथ कोई पिक्यूलर रिलेशनशिप कंपनी का नहीं रहा। अब अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कोई क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है क्या? नॉर्मल डायरेक्टर का कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं है कि ये पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो नॉलेज होना चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए कंपल्सरी है, भी हम आपको बोला था ऊपर, तो देखो यहाँ पे लिखा, एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पोजेस एप्रोप्रिएट स्किल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन वन और मोर फील्ड लाइक फाइनेंस, लॉ, मैनेजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च, इनमें से किसी एक या एक से ज्यादा फील्ड का उसको स्किल एक्सपीरियंस और नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, कंपनी का शेयर होल्डर नहीं हो सकता, कोई स्टॉक ऑप्शन नहीं होना चाहिए उसके पास। उसको कंपनी से रेमुनरेशन के रूप में क्या मिलेगा, मीटिंग का सिटिंग फीस, या फिर अगर वो कंपनी के लिए कोई खर्चा किया तो उसका रीइंबर्समेंट, बस सैलरी वैलरी कुछ नहीं मिलेगा उसको, ठीक है। एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सर होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ ऑफिस अप टू 5 कंसेक्यूटिव ईयर, एक आदमी तुम्हारी कंपनी के साथ 5 ही साल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में रहेगा, उसके बाद उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा लंबा रहा तो फिर तुम उससे भी सेटिंग कर लोगे ना। हाँ, ही इज एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, आप कर सकते हो उसको रीअपॉइंट भी 5 साल के बाद भी, लेकिन फिर आपको शेयर होल्डर से एसआर पास करना पड़ेगा। लेकिन 2 टर्म से ज्यादा तो रह नहीं सकते, ठीक है, मतलब 3rd टर्म के लिए तो एसआर पास करके भी नहीं, और फिर दोबारा आ सकता है क्या, फिर से 3 साल तक नहीं आ सकता। जिस दिन वो डायरेक्टर का पोस्ट से हटा है फिर 3 साल तक नहीं आएगा, उसके बाद फिर आ सकता। एक आगे जाके कंसेप्ट पढ़ोगे डायरेक्टर रिटायर कैसे होते हैं, तो भाई रोटेशन रिटायर होते हैं, एक टॉपिक पढ़ोगे तो वहां पर हम बताएंगे, उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को काउंट नहीं होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बाई रोटेशन रिटायर नहीं होगा। सर क्या होता है बाई रोटेशन, हम बोल देते हैं आपका जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर है ना, उसका 2/3 डायरेक्टर को नॉमिनेट किया जाएगा और फिर उसमें से 1/3 डायरेक्टर हर साल रिटायर होंगे, तो हर साल टोटल डायरेक्टर में से 2/3 को नॉमिनेट करो कि कौन से 2/3 है जो पुराने हो गए इनको हटाओ, अब उनमें से कोई 1/3 हर साल रिटायर होने कंपलसरी है। लेकिन ये जो रिटायरमेंट वाला एवरी ईयर, तो इनमें ये जो 1/3 वाला कहानी है या जो 2/3 वाला कहानी है, इसमें ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आते। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट भी कंपनी को जनरल मीटिंग में अप्रूवल तो लेना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर लोग खुद डिसाइड कर लेंगे, शेयर होल्डर से उसका डिसीजन तो लेना ही है। सर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी दूसरी कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है? हाँ बिल्कुल, होल टाइम बिल्कुल, लेकिन फिर उसको आपका होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी नहीं होना चाहिए, उस कंपनी से आपका वैसा कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। नॉमिनी डायरेक्टर जिसको बोलते हैं, हम अभी अभी आपको बोला था कई बार गवर्नमेंट या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनको लगता है कि आपके यहाँ पे नजर हमको रखना है, तो वो बोल सकता है हमारा एक आदमी आपके डायरेक्टर की टीम में आके बैठेगा। तो देखो यहाँ पे ये समझाया, पर सेक्शन 161(3) आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, द बोर्ड ऑफ मे अपॉइंट एनी पर्सन एज ए डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाई एनी इंस्टीट्यूशन इन परसुएंस ऑफ प्रोविजन ऑफ एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स। कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है ना कि आपके यहाँ पे हमको डाउट है तो आप एक आदमी को बिठाइए, तो कोई भी लॉ अगर बोल रहा है तो उनके बोलने पे कोई लॉ वाला इंस्टीट्यूट, कोई लॉ वाला इंस्टीट्यूट जैसे सेबी, जब आप इंश्योरेंस बिजनेस करते हो तो IRDA,
अगर आप बैंकिंग बिजनेस करते हो तो आरबीआई, ये लोग बोल सकते हैं कि हमारा एक आदमी आपके यहां बैठे हो, या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट बोले ये बात, ठीक है, तो या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोले जो आपको लोन फोन दिए, तो ये लोग नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। इसमें और कोई कौन अपॉइंट कर सकता है, इसमें यही काम का बात है। जैसे देखो वुमेन डायरेक्टर में अमाउंट का क्राइटेरिया है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में अमाउंट का क्राइटेरिया है, इनमें कोई क्राइटेरिया नहीं। अगला टॉपिक भी सिंपल है, एमडी कौन होता है, फुल फॉर्म ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर क्या है, वो भी एक डायरेक्टर ही है सर, जिसका नाम या तो कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हो या फिर कंपनी कोई एग्रीमेंट किया हो या फिर कंपनी कोई रिजोल्यूशन पास किया हो जनरल मीटिंग, और उसको सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट दिया जाए। अरे एमडी क्या है, कंपनी का एक तरीके से देखा जाए तो डायरेक्टर्स का हेड, तो इसको सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट दिया जा रहा है। अब कैसे डिसाइड होगा कौन होगा वो आदमी, क्योंकि या तो कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हो या कंपनी उसके साथ कोई एग्रीमेंट किया हो या फिर शेयर होल्डर से रिजोल्यूशन पास करवा लिया हो। जैसे कि एग्जांपल देता है, तो आर्टिकल्स में लिखा होगा ही कि धीरू भाई अंबानी रिलायंस ग्रुप का एमडी होगा जब रिलायंस बना, ठीक है, या फिर कंपनी कोई एग्रीमेंट कर लेता या जनरल मीटिंग में बुला के अब कंपनी जनरल मीटिंग में पास करे कि नेक्स्ट एमडी आकाश अंबानी होगा। तो तीन तरीका, आर्टिकल्स, एग्रीमेंट या फिर रेजोल्यूशन पास करना। सर उनको भी तो निकाला जा सकता है ना, टू थर्ड मतलब नॉमिनेट करके। बिल्कुल ठीक है, तो ये लोग सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट दिया, कंपनी का डे टू डे अफेयर्स में इनको सब्सटेंशियल पावर दिया जाए, और उस पोस्ट वाले आदमी को ही मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है उसको मैनेजिंग डायरेक्टर के नाम से बुलाओ, कोई और भी नाम बुलाओ, बट अगर ऐसा कोई सब्सटेंशियल पावर दिया जा रहा है वो एक टाइप से एमडी है। होल टाइम डायरेक्टर कौन होता है, विद होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, जो कंपनी में होल टाइम एम्प्लॉयमेंट के। और लास्ट टॉपिक आता है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कौन होता है। देखो बात क्या है ना बेटा, कंपनी में ना बोलने के लिए डेमोक्रेसी है, सब कुछ है कि मेजोरिटी रूल चलता है, डेमोक्रेसी है, सबका बात सुना जाएगा फिर फैसला होगा, जो मेजोरिटी बोलेगा वही बात माना जाएगा, सब ठीक बात है, होता भी है। लेकिन बेटा एक चीज तो है ना, वो डेमोक्रेसी पे भी कंट्रोल किसका आ जाता है, जो मेजर शेयर होल्डर है, बड़े शेयर होल्डर, ज्यादा अमाउंट वाले शेयर होल्डर। अगर हम आपकी कंपनी में 30% शेयर ऑक्युपाई करता है तो बेटा ऑब्वियस सा बात है मेरा चलती ज्यादा होगा ना, और अंकिता जो है उसी कंपनी में 2% शेयर होल्ड करती है, तो ज्यादा पावर तो मेरा ही चलेगा अल्टीमेटली। तो कंपनी एक्ट को या जब भी जो लॉ लिखा उनको ये लगा कि ये तो गलत हो जाएगा उन स्मॉल शेयर होल्डर्स के साथ, उनका तो कोई बात सुनेगा ही नहीं जब। अब मान लो है मेरे पास रिलायंस का 15,000 रुपये का शेयर, तो मेरा वहां क्या चलती है, कुछ सुनेगा क्या मेरा कोई बात, कोई नहीं सुनेगा सर, 20 लाख करोड़ का कंपनी में 15,000 का क्या औकात है, ठीक बात। तो सर गवर्नमेंट बोला कि ये नहीं चलेगा, तो डायरेक्टर के टीम में एक ऐसा आदमी रखो जो उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन कर रहा, स्मॉल शेयर होल्डर्स, यही है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। हम लोग इसको SHD पढ़ते थे, जब हम लोग पढ़ते थे बोलते थे SHD अपॉइंट करो, तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर मतलब वो डायरेक्टर की टीम का ही एक मेंबर होगा, अलग से कोई और डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करना है, बट डायरेक्टर की टीम में एक आदमी होगा जो स्मॉल शेयर होल्डर का रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करेगा। तो पहला बात तो स्मॉल शेयर होल्डर बोला किसको गया, जिन लोगों के पास 20,000 से कम वैल्यू का शेयर, कोई तो लिमिट रखना पड़ेगा ना कौन स्मॉल। अब एक शेयर होल्ड करने वाला स्मॉल की 50 शेयर होल्ड करने वाला स्मॉल, तो नंबर ऑफ शेयर से डिसाइड करना मुश्किल है, क्योंकि किसी कंपनी का अलग शेयर वैल्यू होगा, किसी कंपनी का अलग शेयर वैल्यू होगा। तो भैया बोला 20,000 रुपए से कम का शेयर जो लोग होल्ड कर रहे हैं, फेस वैल्यू बेटा फेस वैल्यू, यानी 2,000 शेयर एक तरीके से, तो उनको रखा गया, उनको बोला गया कि इनके लिए
कंपनी में अगर मान लो 1 लाख शेयर होल्डर है, उनमें से 15,000 शेयर होल्डर ऐसे हैं जो 20,000 रुपये से कम का शेयर होल्ड करते हैं, तो एक डायरेक्टर होगा जो इन लोगों को भी रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है जी सर। सर ऐसे कितने डायरेक्टर होंगे? एक ही। एक लिस्टेड कंपनी में हैविंग वन डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर। अच्छा सर, ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी का रूल है? बिल्कुल बेटा, जनरल पब्लिक इन्वॉल्व तो लिस्टेड कंपनी में ही होगा ना, इन्हीं के लिए रूल है, ठीक है। एक रूल और बोला, लिस्टेड कंपनी में अपॉन नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर विच एवर इज लोअर हैव अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द स्मॉल शेयर होल्डर। तो ऊपर बोला एक अपॉइंट होगा, अब अपॉइंट कैसे होगा? एटलीस्ट 1/10 स्मॉल शेयर होल्डर उसके फेवर में वोट करेंगे तब। या तो जिनके पास 1,000 शेयर है, नॉट लेस देन 1,000, या नॉट लेस देन 1/10 ऑफ नंबर ऑफ शेयर होल्डर। तो यहाँ पे समझो, तो आपने क्या पढ़ रहे हैं कि सर या तो मिनिमम 1,000 शेयर होल्डर या फिर टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर का 1/10, विच एवर इज लोअर। मतलब अगर किसी कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर मान लो 9,000 है, तो 9,000 का 1/10 कितना होता है? 900। नहीं तब 900 नहीं, तब बोला जाएगा 1,000 लोग आके, 1,000 लोगों का वोट चाहिए कि किसको SHD अपॉइंट करें, क्योंकि 900 का 10% और 1,000 विच एवर इज लोअर ना बेटा। तो 900 का 9,000 का 10% तो सर 900 ही होता है 1/10। तो सर तब फिर 1,000 लोग, 1,000 लोगों का वोट चाहिए, वो लोग इलेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन किसी कंपनी में अगर मान लो 15,000 शेयर है, तो 15,000 का 1/10 कितना होता है? 1,500। तो 1,500 और 1,000 विच एवर इज लोअर, मतलब 1,500 लोगों का वोट चाहिए, तब एक आदमी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट होगा। मतलब जब वोटिंग होगा तो इतना वोट मिनिमम उसके फेवर में आना चाहिए, ठीक है। विच एवर इज लोअर मतलब 1,000 ही होना चाहिए ना? अच्छा सॉरी, विच एवर लोअर बोला था। हाँ तो फिर पहला वाला एग्जांपल में 900 या 1,000। हाँ ठीक है ठीक है। सच डायरेक्टर शैल नॉट बी लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, मतलब ये भी रिटायरमेंट में नहीं जाएगा। द टेन्योर शैल नॉट एक्सीड फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर, वो रीअपॉइंट के लिए एलिजिबल होगा, लेकिन एक बार में उसको 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। हाँ अच्छा, कोई आदमी अगर डायरेक्टर के बनने से डिस्क्वालिफाइड है तो सर वो SHD भी नहीं बन सकता। अरे सीधा बात है सर, अगर वो कंपनी का नॉर्मल डायरेक्टर नहीं बन सकता तो SHD कैसे बन जाएगा? और एक आदमी एक टाइम में 2 कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं होगा। नो पर्सन शैल बी होल्ड एज अ पोजिशन ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इन मोर देन 2 कंपनी। 2 का हो सकता है, 2 से ज्यादा का नहीं, ठीक है। अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर शैल नॉट बी पीरियड ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ विच ही सीज्ड टू बी होल्ड ऑफिस। हाँ, एक बार उसको जब हटाया गया, 3 साल हो गया लगातार, अब वो हटेगा तो फिर नेक्स्ट 3 साल दोबारा नहीं बन सकता, जैसे नॉर्मल होता है एकदम। अब आता है फर्स्ट डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होता है। या तो उसका नाम कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हो, जब कंपनी का आर्टिकल मेमोरेंडम आर्टिकल बना था तभी उसका नाम लिख दिया था, यही कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर हो, ठीक है। अगर नहीं हो ऐसा कुछ, तब जो लोग मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर्स हैं और इंडिविजुअल इंसान भी हैं, मतलब मेमोरेंडम का सब्सक्राइबर तो एक कंपनी में बन सकता है ना, एक दूसरा कंपनी एक कंपनी में मेंबर हो सकता है बिगनिंग में, हाँ हो सकता है सर। तो यहाँ बोला एक इंडिविजुअल इंसान, मतलब जीता जाता चलता फिरता इंसान जो स्टार्टिंग में कंपनी का मेमोरेंडम का सब्सक्राइबर बना था, वो फर्स्ट डायरेक्टर्स हो सकते, ठीक है। उनमें से कोई एक जन अपॉइंट हो जाएगा। तो या तो कंपनी के आर्टिकल में नाम हो या जो मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर हो उनमें से कोई एक बने,
ठीक है। हाँ, और जब तक कंपनी का एजीएम नहीं हो जाए तब तक वो लोग डायरेक्टर रहेंगे। एक बात यहाँ पे और लिखा नहीं है, हम बोल देते हैं, या तो आर्टिकल में नाम हो या आर्टिकल में उसको अपॉइंट करने का तरीका मेंशन हो, दोनों ही नहीं हो तब जो कंपनी की स्टार्टिंग में सब्सक्राइबर बने उनमें से कोई, ठीक है, वो उनमें से कोई, ये लोग में से कोई एक दिन पहला डायरेक्टर बनेगा और वो तब तक रहेगा जब तक बाकी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं हो जाए। सर ये क्यों जरूरी था बेटा, बात समझना, कंपनी बनाने के लिए एक डायरेक्टर चाहिए और डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट नॉर्मल रूल होता है शेयर होल्डर के थ्रू। तो सारा कहानी अटक जा रहा है ना। कंपनी का एजीएम पहला है, पहला जनरल मीटिंग कंपनी का कॉल ही करता है डायरेक्टर, अब डायरेक्टर ही कॉल करेगा और उस मीटिंग में ये चूज होना डायरेक्टर कौन बनेगा, तो ये कैसे होगा, है ना। हम आपके घर तभी आएंगे जब आप मेरे घर आओगे, और आपका भी यही शर्त है, आप मेरे घर तभी आओगे जब आपके घर आएंगे, तो कोई किसी के घर नहीं आ सकता, है ना। तो पॉइंट इज, इसके लिए ये फर्स्ट डायरेक्टर के लिए प्रोविजन अलग करना पड़ा। तो या तो कंपनी क्या करता है, मैक्सिमम उन्होंने ये कहता है अपने आर्टिकल्स में नाम लिख देते हैं, या आर्टिकल में उसको अपॉइंट करने का मैनर लिख देते हैं कैसे अपॉइंट हो, या फिर अगर दोनों ही ऑप्शन नहीं है तो फिर जो लोग कंपनी के स्टार्टिंग में सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम है उनमें से कोई बन जाता, ठीक है। अगला आता है एडिशनल डायरेक्टर, टॉपिक पढ़े थे, एडिशनल डायरेक्टर क्या होता है सर, देखो क्या बोला, कंपनी का आर्टिकल्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये पावर देता है, अगर मतलब कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा होना चाहिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने, और अगर नहीं है तो आर्टिकल को अमेंडमेंट करो, एसआर पास कर देता बोर्ड, ठीक है। तो कंपनी जनरली कंपनी का आर्टिकल से परमिशन देता है, क्योंकि कंपनी स्टार्टिंग में आर्टिकल में बात डाल देते हैं, तो जब कंपनी का आर्टिकल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये पावर देता है टू अपॉइंट एनी पर्सन अदर देन दैट पर्सन हू फेल टू गेट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग एज एन एडिशनल डायरेक्टर। कंपनी का डायरेक्टर्स की टीम को लग रहा है कि उनको एडिशनल डायरेक्टर का दरकार है, शेयर होल्डर का मीटिंग बुलाने का अभी टाइम नहीं है, तो वो लोग किसी भी इंसान को एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। हाँ, किसको नहीं कर सकते, जो ऑलरेडी डिस्क्वालिफाइड हो चुका है, अरे एक बार जिसको शेयर होल्डर रिजेक्ट कर सका है नॉर्मल डायरेक्टर बनने में, तो उसको घुमा के एडिशनल डायरेक्टर बना के चालू की रही, ये तो फिर हर कंपनी करेगा ना ये बदमाशी, तो ये नहीं हो सकता। तो जो डिस्क्वालिफाइड है, जिसको रिजेक्ट कर दिया उसको छोड़ दो, हु फेल टू गेट अपॉइंटेड एज ए नॉर्मल डायरेक्टर, उसको नहीं कर सकते, उसके अलावा तुम किसी को भी एडिशनल डायरेक्टर बना सकते हो। अच्छा, वो तब तक रहेगा जब तक कंपनी का नेक्स्ट एजीएम नहीं है, ठीक है। जिस दिन एजीएम होना था या जिस दिन एजीएम हो गया, विचेवर कर लिया, वहां तक रहेगा, आप उसमें तुम डिसाइड कर लो, एजीएम तो बुला ही दियो, तो फिर एजीएम में कर लो उसको, या तो फाइनली नॉर्मल डायरेक्टर अपॉइंट, या उसको हटा दो, या उसकी जगह किसी और को ले लो। लेकिन एक बात, तुमको रिक्वायरमेंट एग्जाम्पल दिया था गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट वाला, तो तुम कर सकते हो। कब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये पावर दिया, क्योंकि शेयर होल्डर का मीटिंग बुलाना और बुलाने में बहुत टाइम जाएगा, तो कर लो एक बार। अल्टरनेट डायरेक्टर क्या होता है, पहले बोला था, अगर तुम्हारा कोई डायरेक्टर जो बोर्ड ऑफ मीटिंग अटेंड करने में अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो कहीं बाहर गया है, अनेबल टू अटेंड, प्रिंसिपल डायरेक्टर इज अनेबल टू अटेंड, तो उसकी जगह एक बार हो जाएगा, ठीक है। अब आता है डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता कैसे, अब ये सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स का बात हो रहा है, फर्स्ट डायरेक्टर का बात हो गया है, सब्सिक्वेंट मतलब हम बोला था ना हर साल डायरेक्टर रोटेट होकर रिटायर होते हैं, तो कैसे अपॉइंट होगा, अरे डायरेक्टर चूज भी कैसे होगा, मतलब क्या प्रोसेस होगा डायरेक्टर बनने का। तो बोला एवरी इंडिविजुअल हु इंटेंड टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, वो पहले DIR 3 में अपना डीन नंबर के लिए अप्लाई करेगा, क्या लेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से यानी ROC से डीन नंबर लेगा, ये डीन नंबर उसको पोर्टल के वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा तब मिलेगा, MCA का जो वेबसाइट है वहां पे अप्लाई करेगा तो डीन नंबर के लिए उसको तब उसको डीन नंबर मिलेगा। द एप्लीकेशन और डाउनलोड DIR 3 पोर्टल तुमको क्या क्या कॉपीज देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट का ऑनलाइन ही, ताकि तुमको तुम्हारा डीन नंबर मिल सके, तुमको फोटोग्राफ देना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस देना पड़ेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो रेजोल्यूशन पास किया है ना, इसको डायरेक्टर रखेंगे, उसका एक कॉपी देना पड़ेगा और सिग्नेचर का भी एक कॉपी देना पड़ेगा, ये सब डॉक्यूमेंट तुम दोगे।
ये DIR-3 shall be signed and submitted electronically by the applicant using his or her digital signature. तो पहले DSC दिए, उसके बाद DIR-3 में अप्लाई किए और इसको उस कंपनी का सेक्रेटरी CS के थ्रू एक वेरिफिकेशन चाहिए जो कंपनी में फुल टाइम एम्प्लॉयड है उसके थ्रू, या कंपनी का MD या डायरेक्टर या CEO CFO इनमें से किसी का वेरिफिकेशन लगे कि ये आदमी डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल है. जब तुम एप्लीकेशन करोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो तुम्हारे एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेगा या अप्रूव करेगा. कितना दिन के अंदर अंदर? विदिन 30 days फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ सच एप्लीकेशन. 30 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट या तो अप्रूव कर देगा या रिजेक्ट कर देगा तुम्हारा एप्लीकेशन. तो पहले दिन नंबर लो, फिर DIR-3 भरो, एप्लीकेशन दो जिनमें CS या CEO CFO MD इनमें किसी का साइन होना चाहिए, क्या इसका बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया, इसको डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल हमारी कंपनी में. अब सेंट्रल गवर्नमेंट 30 दिन में या तो अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा. सर दोनों ही नहीं किया तो क्या मानेंगे? मतलब कि अप्रूव किया. हाँ बिल्कुल, मान लेंगे अप्रूव किया. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई डिफेक्ट फाइंड होगा तो वो तुमको इंटीमेट करेगा कि भैया ये डिटेल चेंज करो या नया डिटेल भरो. विद इन 15 days फ्रॉम डेट ऑफ इंटीमेशन तुमको 15 दिन का टाइम मिलेगा, तुम अपना गलती ठीक करके गवर्नमेंट को दे दो, ROC को दे दो, तुम्हारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा. और अगर वो तुम रेक्टिफाई नहीं किए तो मान लिया जाएगा तुम्हारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा. 15 दिन में तुम जवाब दो नहीं तो तुम्हारा एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा. इन केस ऑफ रिजेक्शन, अगर रिजेक्शन हो गया तो जो फीस दिए वो वापस नहीं मिलेगा और नहीं वो दोबारा एप्लीकेशन जब दोगे तो उसके साथ एडजस्टमेंट हो, ठीक है ना. जो तुमको डीन नंबर मिला है, अगर ये एक्ट चालू होने के पहले, मतलब 2013 वाला कंपनी एक्ट आने के पहले अगर तुम्हारे पास कोई डीन नंबर था तो वही डीन नंबर वैलिड रहेगा. अगर तुमको बार बार डीन नंबर अलग से लेने का दरकार नहीं, एक बार डीन मिला वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, मतलब ठीक है ना. तो एक आदमी को एक ही डीन मिलेगा और दो आदमी का एक डीन नंबर नहीं हो सकता, और डीन नंबर लाइफ टाइम के लिए, जैसे पैन नंबर लाइफ टाइम के लिए होता है, आधार नंबर लाइफ टाइम के लिए होता है ना, वैसे ही. ठीक जी सर. एक बात बोला है, कोई भी आदमी अगर तुम्हारी कंपनी में एज ए डायरेक्टर काम कर रहा है, उसको डीन नंबर मिला, वो विद इन 1 month ऑफ रिसिप्ट ऑफ डीन नंबर अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट या कंपनी को इन्फॉर्म नहीं किया कि ये मेरा डीन नंबर है, क्योंकि देखो डीन नंबर जैसे ही मिलेगा ना वो तुम्हारी कंपनी को बताना है कि ये मेरा डीन नंबर है, तो कंपनी फिर ROC को सबमिट करेगा कि ये आदमी हमारा डायरेक्टर है, इसको ये डीन नंबर मिला है. तो देखो तुमको डीन नंबर मिला, तुम भी ROC को बता रहे हो जी, और तुम्हारा कंपनी भी ROC को इन्फॉर्म करेगा कि हम यहाँ डायरेक्टर बना रहे हैं, और तुम भी बोलोगे हम यहाँ डायरेक्टर बन रहे हैं, ठीक है ना. और अगर ये नहीं करते हो तो फाइन पेनल्टी के लिए हकदार हो जाओगे, तुमको फाइन पेनल्टी लगेगी. करते जो भी नहीं करता है, दोनों को करना है. तुम नहीं करोगे तुमको फाइन लगेगा, वो नहीं करेगा उसको फाइन लगेगा. तो तुमको नोटिस आएगा, उस नोटिस का जवाब 15 दिन में देना है, जवाब नहीं दोगे तो फाइन पेनल्टी के लिए तैयार. अगर सर कंपनी फिर भी इफ कंपनी फेल, देखो आगे ना बात, अगर कंपनी नहीं किया तो क्या फाइन पेनल्टी? 25,000 मिनिमम, विच शैल नॉट बी लेस देन 25,000 और मैक्सिमम 1,00,000. और जो भी ऑफिसर है कंपनी का ऑफिसर अगर डिफॉल्टर है तो उसको भी 25,000 से 1,00,000 तक का फाइन. अब एक टॉपिक आता है कि कौन आदमी डायरेक्टर बनने से डिस्क्वालिफाइड है, कौन कौन डायरेक्टर नहीं बन सकता. पहला बात तो बोला अनसाउंड माइंड, दूसरा बोला अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, और एक बोला एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट. अब ये दोनों का मतलब क्या है? तुम्हारे ऊपर इंसॉल्वेंसी का केस चल रहा है, अब तक डिस्चार्ज नहीं हुए, तुम इंसॉल्वेंसी से हटे नहीं हो, अब केस चल रहा है. तो जब केस चल रहा है तब भी नहीं बन सकते, और अगर इंसॉल्वेंट एडजुडिकेट हो गया, मतलब इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, तब तो नहीं बन सकते. तुमको अगर कोई भी मॉरल टर्पिट्यूड का केस में तुमको कोई भी कोर्ट कन्विक्टेड किया, अब ये मॉरल टर्पिट्यूड क्या होता है? ऐसा कोई चीज जिससे तुम किसी का मान हानि कर रहे हो,
जैसे एक एग्जांपल देते हैं, थोड़ा और एग्जांपल अब देना पड़ेगा लॉ पढ़ाते हुए। मान लो कोई किसी लड़की को छेड़ा और लड़की उस पर केस कर दी, तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, ठीक है। या फिर तुमको ऐसा कोई सजा हुआ है जो 6 महीने से ऊपर का, तो मॉरल टर्पिट्यूड वाला तो बन ही नहीं सकता, तो हो गया बात। और अगर कोई ऐसा और कोई जुर्म किया, मॉरल टर्पिट्यूड के अलावा और कोई जुर्म किया हो जिसमें तुमको 6 महीने से ऊपर का जेल हो, तो भी नेक्स्ट 5 साल तक फिर कहीं पर डायरेक्टर नहीं बन पाओ, ठीक है। इफ अ पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड इन एनी ऑफेंस और सेंटेंस रेस्पेक्ट ऑफ इम्प्रिजनमेंट, हाँ, और अगर 7 साल से ऊपर का किसी सजा में जेल हुआ तो फिर कभी डायरेक्टर नहीं बन पाओ। तो दो बात बोला ना, 6 महीने से ऊपर का जेल हुआ है तो जिस दिन जेल से बाहर आओगे वहां से 5 साल तक नहीं बन सकते, फिर बन जाना मतलब जिंदगी भर का बैन नहीं लगाए तुम्हारे। लेकिन बेटा जी ऐसा कोई जुर्म का केस खाए हो जिसमें 7 साल से ऊपर का जेल हुआ है, तब तो फिर कभी नहीं बन पाओगे, ठीक है। एन ऑर्डर ऑफ डिस्क्वालिफाइंग यू इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर हैज बीन तुम्हारा कोई, तुम कोई कमी में डायरेक्टर थे और कोर्ट या ट्राइब्यूनल बोल रहा है भैया जी इसको हटाओ, तो हटाना ही पड़ेगा, फिर वो डिस्क्वालीफाइड हो ही जाएगा ना, ऐसे ऑब्वियस सा बात है, कोर्ट बोला तो डिस्क्वालीफाइड हो ही जाएगा। या फिर वो कोई कंपनी का शेयर लिया था और वो कॉल मनी कंपनी मांगे जा रहा है, वो दे नहीं रहा, 6 महीने से ऊपर हो गया, लास्ट डेट ऑफ जो पेमेंट था 6 महीना बीत चुका है, कंपनी अपना कॉल मनी मांगे जा रहा है, तुम दे नहीं रहे। अरे भैया तुम खुद कंपनी का कॉल मनी नहीं दे रहे हो और तुम क्या कंपनी का डायरेक्टर बन के काम काज मैनेजमेंट ठीक करोगे, तो तुम डायरेक्टर नहीं बन सकते उस कंपनी में, ऑब्वियस सवाल। ही हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस ऑफ डीलिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, तुम एक कंपनी में डायरेक्टर थे, वहां तुम अंदर ही अंदर अपना ही एक बिजनेस बना के कंपनी के साथ डील कर रहे थे और रिलेटेड पार्टी केस में पकड़े गए, तो भैया जी तुम किसी और कंपनी में फिर डायरेक्टर नहीं बन सकते नेक्स्ट 5 साल। खुद की कंपनी में भी उसमें तो नहीं बन सकते, दूसरा में भी नहीं बन सकते, ठीक है। हाँ एक बात बड़ा गजब, यहाँ पे कोई केस स्टडी बनता है, सर मेरे को डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया गया कंपनी का, हम पकड़े गए इनसाइड ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में, मेरा अभी भी 1 साल पूरा होने में 3 महीना 4 महीना 6 महीना 5 महीना कुछ भी बाकी है, मतलब मेरा टर्म एक्सपायर नहीं हुआ, तो क्या वहां से भी हमको तुरंत छोड़ना पड़ेगा क्या? नहीं, तुम वहां अपना टर्म पूरा करोगे, दोबारा वहां डायरेक्टर नहीं बन पाओगे और कहीं और भी नहीं बन पाओगे नेक्स्ट 5 साल, वो टर्म तुम्हारा पूरा होगा। सर कोई आदमी अगर डी नंबर ले लिया तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, वो डिस्क्वालीफाइड होगा, ऑब्वियस सा बात है सर। आप कॉलेज का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिए तो पढ़ाई कैसे करोगे? आपको मतलब आप सीयू में रजिस्टर नहीं किया, सीबीएसई में रजिस्टर ही नहीं किए, तो आप स्कूल में कैसे पढ़ोगे? तब डी नंबर नहीं लोगे तब डायरेक्टर नहीं बन सकते, आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। अब प्राइवेट कंपनी में है आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर एनी डिस्क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर एडिशनल टू अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन, कोई अगर प्राइवेट कंपनी है तो ऊपर वाला जो पॉइंट तो पढ़े हो तुम अब तक, उनके अलावा भी और कोई वो भी डिस्क्वालिफिकेशन का पॉइंट प्राइवेट कंपनी डाल सकते, मतलब तुम अपने आर्टिकल्स में लिख सकते हो कि इनके अलावा भी और डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाई करने के पॉइंट्स हैं, तो वो भी माना जाएगा, ठीक है। द डिस्क्वालिफिकेशन रेफर टू अंडर डीईजी शैल हैव कंटिन्यू टू अप्लाई इवन इफ द अपील और पिटीशन हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन और डिस्क्वालिफिकेशन। क्या है डी और ई और ई और जी में? डी में बोला गया था वो कन्विक्टेड ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड या 6 महीने से ऊपर का जेल, ई में बोला गया था 7 साल वाला जेल या फिर ट्राइब्यूनल या कोर्ट तुमको कैंसिल कर दिए, डीई और जी था ना, डीई और जी, और जी में क्या है? अगर वो कन्विक्टेड हुआ कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, तो सर समझ में आ रहा है 6 महीना से मतलब जेल वाला बात, या ट्राइब्यूनल तुमको मना करे या तुम कोई रिलेटेड पार्टी केस खाए, ये 3 केस में अगर केस चल भी रहा है ना अभी, हाँ, तो भी तुम डायरेक्टर कहीं और नहीं बन पाओगे, जब तक केस चलेगा तुमको वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो क्या बोला, इवन इफ अपील और पिटीशन हैज बीन फाइल अगेंस्ट द कन्विक्शन,
मतलब कोर्ट तुमको सजा दे दिए, तुम तो सजा के अगेंस्ट में अपील करोगे ना कि ये तो गलत हुआ है। तुमको तो हाई ऊपर वाले कोर्ट में अपील करने का पावर है ना, राइट है तुम्हारा राइट। तो भैया जी अब वहां केस चल रहा है, तुम तो केस पिटीशन फाइल किए कि ये केस मेरे अगेंस्ट में गलत बात हो रहा है, ये सजा हमको नहीं होना चाहिए। मतलब कोई एक कोर्ट तुमको सजा दे दिए बट तुम आगे लड़ना चाहते हो केस को, तो लड़ो, कोई मना नहीं है, लेकिन तब तक ये डायरेक्टर कहीं और नहीं बन पाओगे। ठीक है, अब यहां बोला अपॉइंटमेंट कैसे होगा, तो बोला मेन रिक्वायरमेंट तो वही है सर कि डील नंबर चाहिए, डील ले लो, सबसे मेन रीजन मेन पॉइंट तो अपॉइंटमेंट का वही है। अ पर्सन हैज बीन अपॉइंटेड एट सेल फर्निश इज डील एंड डिक्लेरेशन दैट इज नॉट डिस्क्वालिफाइड टू बी डायरेक्टर। जब डील नंबर मिल जाएगा तो जब तुम कंपनी में अप्लाई करोगे डायरेक्टर बनने के लिए तो तुमको एक डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा कि तुम कोई भी वे में डायरेक्टर बनने में डिस्क्वालिफाइड नहीं, मतलब ऊपर जितने पॉइंट पड़े हो उनमें से कोई पॉइंट तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं। तुमको एक रिटन कंसेंट भी देना पड़ेगा कि तुम डायरेक्टर बनने को तैयार हो, वो DIR 2 नाम का एक फॉर्म है वो भर के एक रिटन कंसेंट देना पड़ेगा कि तुम डायरेक्टर बनने को तैयार हो। और जिस दिन तुम डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट लेटर लोगे उसके 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी ROC को तुम्हारा कंसेंट लेटर जमा करती है। ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक रिटायरमेंट एंड रोटेशन ऑफ डायरेक्टर। बोला क्या, देखो बोला नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर शेल रिटायर एट एन एवरी AGM। ठीक है, यहाँ पे कोई गलती लग रही है कुछ बात। गलत लिखा है, 2/3 ऑप्ट करेगा, यहाँ पे गलत है, 2/3 को ऑप्ट करना होगा रिटायरमेंट के लिए और उसमें से 1/3 रिटायर। ठीक है, यहाँ गलत हुआ, ये 1/3 होगा, 2/3 ऑप्ट करे। तो मान लो मेरे यहाँ टोटल 12 डायरेक्टर, तो 12 का 2/3 24/3 8, 8 का 1/3 2.33, मतलब 3 डायरेक्टर को रिटायरमेंट में जाना पड़ेगा। सर रिटायर होंगे क्या, रीअपॉइंट नहीं कर सकते, वो तो कर नहीं सकते हो शेयर होल्डर से वापस वार पास करके, बट रिटायरमेंट में जाना पड़ेगा। ठीक है, और ये हर AGM में होगा। सर पहले कॉल मान लीजिए, पहले कॉल रिटायर मेरे यहाँ 12 डायरेक्टर, तो कौन से 2/3 जाएंगे और कौन सा 1/3 उसमें से निकलेगा, जो लॉन्गेस्ट इन द ऑफिस है, मतलब जो सबसे ज्यादा पुराने वो पहले रिटायर हुए। और सर दो आदमी अगर मान लीजिए जो ये 3 निकल कर आए ना रिटायर के लिए, इन 3 में से एक तो पुराना है, कोई दिक्कत नहीं हुआ, बट 2 और ऐसे हैं जो सेम डेट को अपॉइंट हुए थे, या 3 और ऐसे हैं जो सेम डेट को अपॉइंट हुए थे, तब फिर कैसे रिटायर करें उनमें से, तब फिर जो आपस में एग्रीमेंट, 3 जन सेम डेट पे, हाँ 3 जन का जो नाम आया ना रिटायरमेंट का, वो तीनों के तीनों ही सेम डेट को हुए थे, या 4 जन का नाम आ रहा हो, 4 में से 3 सेम डेट के आ गए, हो ही सकता है जो वोट आउट होगा। हाँ नहीं, तब या तो आपस में एग्रीमेंट कर लो कि आपस में डिसाइड कर लो कि भाई तुम रिटायर हो जाए, वो बोला ठीक है हम होता है तुम रह जाओ। अच्छा। और नहीं हो तो फिर वोटिंग से होगा बाईलॉट, मतलब वही हो गया ना वोट चिट नाम निकालने वाला, बाईलॉट मतलब चिट में नाम निकालने वाला। ठीक है, इसके बाद आएगा रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मोटा मोटी। सर रिटायरमेंट और रिमूवल मतलब अलग है क्या? हाँ रिमूवल भी तो सेम। नहीं 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 नहीं, रिमूवल हो गया कि कंपनी निकाल रहे हैं, मतलब फिर से नहीं ये अपॉइंट करेंगे, नहीं वो कंपनी का बात का बात है, कंपनी को लग रहा है ये आदमी ठीक नहीं है इसको हटाओ, हो ही सकता है, हाँ वो बात है, रिमूवल वो होती है। ठीक है, यहाँ रुकते हैं।
एक क्लास और लेंगे मोटा मोटी और ये खत्म हो जाएगा, एक या दो क्लास और लेंगे और पूरा डायरेक्टर्स खत्म। ठीक है सर, चलो थैंक यू।